सभी भाइयों को एसएल चौधरी की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, रामदास भाई से मैंने 2-3 इंटरव्यू लिए हैं, उनके सारे वीडियो देखना। अब मैं उनको फीड शेड्यूल के बारे में पूछता हूँ, उनकी जो पूरी दिनचर्या होती है वो कैसे रहती है उसके बारे में भाई से पूछते हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो जो भी भाई अगर नए आए हैं तो पहले अपना एड्रेस कन्फर्म करा दें। एड्रेस पाल्दी गांव है, तहसील आसिंद है, जिला भिलोड़ा है और राजस्थान में। तो स्टार्टिंग से बताइए आप, मतलब सुबह से कैसे दिनचर्या रहती है, क्या फीड में क्या क्या खिला रहे हो उसके बारे में? कितने बजे काम पे चला लग जाते हैं? 5 बजे। 5 बजे हाँ, उठते ही फीड डाल देते हैं। तो क्या है, शाम को तो भिगो के देते हैं, सुबह ऐसे ही सूखा फीड डाल देते हैं। अभी वो प्रॉपर नहीं है इसीलिए ना, टाइम भी प्रॉपर थोड़ा कम है, खेती बाड़ी का भी है प्रेशर। तो सुबह सुबह सूखा फीड देते हैं, तो सबसे पहले फीड डाल देते हैं, फिर मिल्किंग करते हैं, उसके बाद में तूड़ी, अभी तूड़ी का टाइम है, गर्मी का टाइम है तो तूड़ा वगैरह आ जाता है, तो तूड़े वगैरह डाल देते हैं, भिगो के ही देते हैं ताकि डाइजेस्ट होने में ठीक रहता है। तो कितने टाइम तूड़ी कितने टाइम डालते हैं? अभी तीन टाइम डालते हैं, जैसे तीन टाइम, जैसे सुबह 5 बजे डालते हैं। हाँ, सुबह तो अभी एक, हमने हमारे राजस्थान में सूखे चारे की बहुत प्रॉब्लम है, हरे चारे की, तो हमने मेथी का साइलेज बनाया है, तो सुबह सुबह साइलेज डाल देते हैं और उसके बाद में पूरा भिगो के 8 बजे डाल देते हैं, फिर शाम को डालते हैं वापस, और शाम को 3-4 बजे वापस फीड दे देते हैं, उसके बाद में मिल्किंग कर लेते हैं और ऐसा ही रहता है। तो जैसे आपकी ये भैंस जैसे 22+ की है, तो इसको आप फीड में कितना फीड दे रहे हैं उसके बारे में बताइए, और क्या क्या दे रहे हैं? 10-11 किलो फीड दे देते हैं पूरा दिन का, है ना? हाँ, और फीड में क्या क्या देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ सभी भाइयों, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग फीड को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो क्या है उसमें फिर दिक्कत आती है। तो ये बिनोड़ा है, बिनोड़ा तो ये एक पशु को मतलब 700-800 ग्राम सफिशियंट है फीड में मिक्स करना, और ये मक्का अपने घर पर हुआ था तो ये मक्का डाल देते हैं 1-1.5-2 किलो, और ये जो है जो का दलिया है वो भी गर्मी में शायद जो सबसे बेस्ट है। हाँ, ये ठंडे रहते हैं, मक्का गर्मी में कम कर देते हैं, सर्दी में ज़्यादा दे रहे थे, और सर्दी में बाजरा भी उबाल के दे रहे थे, क्योंकि बहुत ही अच्छा रहता है। और ये एक सरस हमारी जो है संघ है राजस्थान में, उसके द्वारा तैयार किया हुआ फीड है, तो ये देते हैं थोड़ा बहुत, ताकि इसमें मिनरल मिक्सर वगैरह सब कुछ आता है, सेंट सिलिका हो गया, मिनरल मिक्सर हो गया, फास्फोरस, थोड़ा बहुत जरूरत के अनुसार यूरिया, मीठा सोडा सभी इसमें आ जाता है, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं देती है। और ये एक बिनोड़े की खड़ है जो पशु की जरूरत भी है, सभी जगह मिल भी जाती है, और ये भी देते ही देते हैं रेगुलर। और अभी 2 फीड नहीं है, मिस करते हैं हमने, अभी लॉकडाउन की वजह से ले नहीं पाए, चने की चूरी, चने का कांडा और गेहूं का दलिया, ये रूटीन में पशुपालक भाइयों को देना ही चाहिए, जरूरी है, और दूध के लिए और मतलब पशु की बॉडी मेंटेन के लिए भी अच्छा रहता है गेहूं का दलिया, गेहूं का चापड़ हुआ और चने की चूरी और चने का कांडा, यही फीड शेड्यूल है। अच्छा, और साइलेज कितना दे रहे हैं सर? साइलेज बनाया, साइलेज बनाया तो अभी तो हर पशु को 6-7 किलो के एवरेज से डाल रहे हैं, सुबह डाल देते हैं वो खा लेती है, बाद में सुबह फीड भी उसी के साथ खा लेती है, और 10 बजे चारा डाल देते हैं, फिर फ्री, फिर वापस। और पानी गर्मी में 3 टाइम पिलाना चाहिए पशुओं को, और 3 टाइम ही पिलाते हैं, और बाकी 2 टाइम जैसे पिए वैसे पिला देते हैं, बाकी पानी की जरूरत 24 घंटे अगर सामने पानी है तो ठीक रहता है पशु, पानी की सबसे ज़्यादा जरूरत रहती है पशु। तो भाइयों बताना, रामदास जी का फीड शेड्यूल आपको कैसा लगा कमेंट्स करके हमें बताना, और आपके यहाँ पे क्या क्या फीड देते हैं वो भी हमें बताना कमेंट्स करके। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।